हे दोस्तों, वेलकम टू 10 आवर्स फॉर एग्जाम। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइटिंग साइबर क्राइम विथ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक। सो देखो, डिजिटल फोरेंसिक में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट पे बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। सो क्या क्या रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स है जो कि आप यूज कर सकते हैं साइबर क्राइम से डील करते वक्त, ठीक है। साइबर क्राइम से कैसे फाइट कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स का यूज करके आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो देखो, अगर से हम बात करें आजकल किसी भी बिजनेस की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, कोई भी बिजनेस हो, उस बिजनेस का सबसे बड़ा जो आजकल एसेट है वो बेसिकली क्या है, उस बिजनेस का, उस ऑर्गेनाइजेशन का डेटा और उस ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन। मतलब डेटा ही और इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ा एसेट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बिजनेस का, ठीक है। सो अगर से आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे कोई भी अटैक होता है, ठीक है, तो आपको ये ट्राई करना है, आप ये ट्राई करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, ठीक है, उसको कम से कम डैमेज हो, ठीक है, कम से कम डैमेज हो, आपके जो हार्डवेयर है, आपके जो सॉफ्टवेयर है, उसको कम से कम डैमेज हो, ठीक है। टू मिनिमाइज द लॉस, टू मिनिमाइज द डैमेज, वी यूज सम रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स व्हाइल फाइटिंग विद साइबर क्राइम, ठीक है। सो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी टेक्निक्स है जो कि हम यूज करते हैं साइबर क्राइम से फाइट करने के लिए। देखो, तो यहाँ पे सबसे पहली जो रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है वो बेसिकली क्या है, इफेक्टिव आईटी एंड स्टाफ पॉलिसीज। सो अगर से इसको मैं एक वर्ड में बताऊं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं, कुछ सिक्योरिटी पॉलिसीज बना रहे हैं, ठीक है। उस सिक्योरिटी पॉलिसीज को हर एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ओबे करना पड़ेगा, ठीक है। सो इस सिक्योरिटी पॉलिसी की मदद से आप क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एम्प्लॉय को क्या करते हैं, फोर्स करते हैं कि भाई आप इन सिक्योरिटी पॉलिसीज को क्या करो, इंप्लीमेंट करो, फॉलो करो, ठीक है। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एम्प्लॉय को बताते हो कि आप बेसिकली क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो इस ऑर्गेनाइजेशन में, क्या डूज है, क्या डोंट्स है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आप एक हर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को बताते हो, ठीक है। पॉलिसी को फॉलो नहीं किया, इस सिक्योरिटी पॉलिसी को फॉलो नहीं किया तो उसको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं, या फिर उसको क्या क्या लीगल इंप्लीकेशन हो सकती है अगर से वो मिसयूज करता है इन सिक्योरिटी पॉलिसीज का, या आपके ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी को ब्रीच करता है तो उसको क्या क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या करने पड़ सकते हैं, झेल सकते हैं, ठीक है। सो ये सिक्योरिटी रूल्स अगर से आप इंप्लॉय करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो कुछ हद तक, कुछ परसेंटेज तक आप क्या कर सकते हो, जो आपके इनसाइडर है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बंदे अटैक कर सकते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को पेनेट्रेट कर सकते हैं, अनऑथराइज एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो उनके अंदर एक तरीके से डर होता है, ठीक है। सो ये एक तरीके से आप ये एक टेक्निक का यूज कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट द इफेक्टिव आईटी एंड स्टाफ पॉलिसीज। देखो, इसके बाद जो अगली जो टेक्निक है रिस्क मैनेजमेंट की, वो बेसिकली क्या है, वेंडर टूल्स ऑफ द ट्रेड। तो यहाँ पे सिंपली हमारा मतलब क्या है, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में हार्डवेयर है, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर है, वो आप कहीं ना कहीं से तो खरीदते हैं, कहीं ना कहीं से तो लेते हैं, ठीक है। सो उन सॉफ्टवेयर को, उन हार्डवेयर को क्या करना है, आपको उन ट्रस्टेड वेंडर से ही लेना है। जैसे कि अगर से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्लाउड की जरूरत है तो आप अमेजोन वेब सर्विसेज से ले सकते हैं या गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। मतलब ट्रस्टेड जो वेंडर्स है वहीं से आप क्या करेंगे, सर्विसेज को लेंगे, सॉफ्टवेयर्स को लेंगे, हार्डवेयर्स को लेंगे, ठीक है। देखो, पहला बेनिफिट जो आपको मिल जाता है ट्रस्टेड वेंडर से, वो बेसिकली क्या है, आपकी जो हार्डवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर है उसकी जो क्वालिटी है वो एक लेवल अप ही होती है कंपेयर टू अदर वेंडर्स, ठीक है, जो कि आपको सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके साथ ही साथ ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो हार्डवेयर है, वो बेसिकली बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो ट्रस्टेड अगर से आप सोर्सेज से लेते हैं, ठीक है, लाइक गूगल, Amazon, तो वो आपको क्या करते हैं, नोटिफाई करते हैं, आपको अलर्ट करते हैं अगर से आपके सॉफ्टवेयर पे कुछ अटैक्स होते हैं, ठीक है, आपके सिस्टम पे कुछ अटैक्स होते हैं, ठीक है, कोई उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है, तो ये जो ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर होते हैं, ये जो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म होते हैं बहुत ही ज्यादा सिक्योर होते हैं, तो ये आपको क्या करते हैं, अलर्ट देने की कोशिश करते हैं, आपको नोटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो क्रिमिनल्स है उनको आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प आउट करते हैं, ठीक है, आपको मदद कर सकते हैं एज ए ट्रस्टेड वेंडर। सो देखो, यहाँ पे अगर से आप इन वेंडर्स से सॉफ्टवेयर लेते हैं या हार्डवेयर लेते हैं तो आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, लेकिन जो आपकी सिक्योरिटी है वो भी एक लेवल क्या हो जाती है, अप हो जाती है। सो देखो, अगर से यहाँ पे आप ये दोनों ही रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स का यूज करते हैं, ठीक है, दैट इज इफेक्टिव आईटी एंड स्टाफ पॉलिसीज एंड सेकंड वन दैट इज वेंडर टूल्स, ठीक है, अगर से आप ये दोनों ही टेक्निक्स का यूज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हैक प्रूफ हो गए, ठीक है, कुछ हद तक आप सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ हद तक सिक्योर
हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप हैक प्रूफ नहीं है 100%, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक इमीडिएट रिस्पांस प्रोसीजर होना चाहिए, आपके पास एक इफेक्टिव रिस्पांस प्रोसीजर होना चाहिए, ठीक है। सो जैसे कि ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि जो CFIRP होता है आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब कंप्यूटर फोरेंसिक इमीडिएट रिस्पांस प्रोसीजर, आप सपोज कर लीजिए आपने सारे प्रिकॉशन लिए हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में साइबर क्राइम से डील करने के लिए, ठीक है, साइबर अटैक से डील करने के लिए आपने सारे जो प्रिकॉशन है वो लिए, फिर भी आपके ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको कैसे डील करना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, ठीक है, वो सारी जो पॉलिसीज है वो आ जाती है आपके इफेक्टिव प्रोसीजर में, दैट इज CFIRP। मतलब आपके पास एक इमीडिएट रिस्पॉन्स पॉलिसी होना चाहिए कि अगर से आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक होता है तो आप उसे कैसे डील करेंगे, उसे कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है, उस सिचुएशन में क्या करने वाले हैं, ये आपको पहले ही क्या करना है, प्लान करके रखना है इस प्रोसीजर के अंदर, जिसको हम बोलते हैं इमीडिएट रिस्पांस पॉलिसी, ठीक है, और इमीडिएट रिस्पांस प्रोसीजर, ठीक है। दोस्तों लाइक एंड शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, अगर से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल टू एप्रिशिएट माय वर्क, ताकि मैं इसी तरह मोटिवेटेड फील करते रहूं और आपके लिए इसी तरह यूजफुल ट्यूटोरियल्स बनाता रहूं। यू कैन डाउनलोड दिस PPT एंड माय हैंड रिटन नोट फॉर द कंप्लीट सब्जेक्ट यूनिट वाइज, सो लिंक उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फाइनली बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।